इधर आ जा हल्का सा दबा दबा मेरे शोल्डर से लेके रोल ले रोल रोल ठीक है ना दोनों रोल थोड़ा पीछे जा बेटी रोल ओके सर आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है। इससे पहला मैंने मतलब हिंदी पिक्चरों से स्टार्ट किया था, दिन तक जितने भी किए सबसे पहला मेरी पिक्चर थी डबल धमाल। उसके बाद एनएमी बात बन गई, चलबाग, स्पार्क, बेशरम, पुलिस गिरी, फोर्स वन, फोर्स टू। अभी मेरी आने वाली पिक्चर है, साउथ की मूवी करके आया हूँ, और अभी जो संजय दत्त की बायोपिक है वो भी आने वाली है, और बीच में 8-10 पिक्चर और है जो कम्प्लीट हो चुकी है मतलब रिलीजिंग की डेट पर। सर इस मूवी में आपका क्या रोल है? शक्ल से तो मैं हीरो लगता नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव ही करेक्टर होगा जो भी होगा कुछ। ओके सर, आप इस फिल्म में भी विलन का काम कर रहे हैं जी, तो आपके किरदार के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। किरदार देखो, नेगेटिव करेक्टर क्या होता है, कहीं से कोई वसूली करना, कहीं पे कुछ हो गया तो उसको मतलब उठा के या मारपीट करके उसको अपने कब्जे में करना, मतलब जो भी उल्टे सीधे काम करता है वो नेगेटिव ही करता है। और उसके बाद हीरो की एंट्री होती है तो वहाँ पे विलन को दबना ही पड़ता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में हीरो को ही जो है फर्स्ट मराठी वन दिया जाता है। और ये तो मेरी मतलब पहली मराठी पिक्चर है, इसको देखते हैं कैसा होता है, मतलब डेब्यू है मराठी विलन के लिए, और हमारे सर जी है, देखते हैं। अभी 10 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी कि एक्चुअली हम एक मूवी बना रहे हैं जिसमें एक करेक्टर आपका भी है, ठीक है, करते हैं रात को फोन आके ऐसे ऐसे हमारा म्यूजिक लॉन्च है तो उसके लिए आप आइए। सर आपने अभी कहा कि आपकी फर्स्ट मराठी डेब्यू फिल्म, तो आप कोई भी एक अलग चीज़ या फिर कोई हटके चीज़ नहीं ट्राई करते तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है, तो आपका आज कैसा फीलिंग हो रहा है? मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वस काहे की, मैं तो सोचता हूँ कि कोई डिफरेंट करने को मिले, एक ही करेक्टर करके मतलब हिंदी पिक्चरों में कर करके थोड़ा सा ये होता है कि चलो यार आज मेरे को फर्स्ट टाइम मराठी पिक्चर मिली है तो उसके मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करूँ जिससे मराठी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग से छाप। सर आपको कोई मैसेज जो आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे? देखिए मूवीज़ बहुत आती है, हर मूवी के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, कहीं पॉलिटिकल लेवल पे होता है तो कहीं प्यार मोहब्बत के ऊपर होता है, तो कोई एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि किसी की बायोपिक के ऊपर बनी होती है, तो हर मूवी का अलग अलग मैसेज होता है। यही ये भी एक मूवी है मतलब जिसका नाम वायलेट करके रखा गया है, तो एक लव स्टोरी के ऊपर है, तो उसमें एक यही मैसेज है कि आदमी को किसी के भी मतलब प्यार प्रेम हो, प्यार देखो ये जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, एक भाई बहन का प्यार भी होता है, माँ बाप का प्यार भी होता है, बाप और बेटे का प्यार भी होता है, तो प्यार अलग अलग चीज़ होती है। बहुत से लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि यार नहीं ये गलत कर रहा है, या बहुत से लोग लेते हैं कि भाई अगर मैं अमीर हूं तो मैं गरीब लड़की से शादी क्यों करूंगा या प्यार क्यों करूंगा, लेकिन प्यार जो है वो एक दिल से किया जाता है, उसमें जात पात या ऊंच नीच नहीं देखा जाता। थैंक यू।